हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी दिन बाद फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है, इंटरेस्टिंग भी है और आपके काम की भी है, क्योंकि आप इस चीज़ का हर जगह पे यूज़ करने वाले हो। सो आज हम बनाएंगे लाइपो बैटरी चार्जर। आप इससे लिथियम आयन बैटरीज, लाइपो बैटरीज, प्लस ली आयन बैटरीज, जो आपकी तीन चार चार्जेबल टाइप के सेल्स आते हैं 3.7 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक, आप उनको आसानी से चार्ज कर सकते हो। इसकी मेकिंग का प्रोसेस बहुत आसान है। इससे 1S, 2S, 4S, मतलब जितने एस चाहिए आपको उतनी कैपेसिटी की आप क्या कहते हैं बैटरी चार्ज कर सकते हो। ये 10,000 mAh तक की बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकता है। इसका क्या कहते हैं एम्पियर जो है 1.2 A से लेकर 1.5 A तक ये करंट सप्लाई देता है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है चार्जिंग की, ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक नंबर का चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल बैटरी चार्ज करता है। कट ऑफ भी अच्छा है इसका। जब आप चार्जिंग ऑन करते हैं तो इसमें चार्जिंग इंडिकेशन रेड हो जाता है, जैसे ही आपकी लाइट ब्लू होती है तो आप समझ लो आपकी बैटरी चार्ज हो गई। इसमें आप सारे सेल्स को बारी बारी चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो बजट में है बट हाई परफॉर्मेंस। एक्चुअली मैं इसकी मेकिंग वीडियो नहीं लेकर आया था, मेकिंग वीडियो लाने के पीछे थोड़ा सा रीज़न ये हो गया कि मैंने एक RC प्लेन बनाया हुआ था आपका, कोलम्बिया स्पेस शटल। सो मुझे उसे फ्लाई करने जाना था। जिस दिन मुझे फ्लाई करने जाना था तो मैंने रात पे सोचा कि लाओ बैटरी चार्ज कर लेते हैं। मैंने अपना RC प्लेन का बैटरी चार्जिंग पे लगाया, देन मेरा चार्जर शॉर्ट हो के उड़ गया। सो इमरजेंसी केस में मुझे कुछ ना कुछ बनाना था। सो मैं इसको बनाने बैठा तो मैंने कहा कि नॉर्मली इसका मेकिंग वीडियो बना लेते हैं, हो सकता है आप लोग के काम ही आ जाए। सो मैंने मेकिंग वीडियो बना लिया और इससे मैंने बैटरी चार्ज की और नेक्स्ट डे में उड़ाया। वाकई में बिलीव कीजिए 100% एक नंबर का परफॉर्मेंस था। प्लस इसमें जनरली बैटरी के इंडिकेशंस नहीं होते हैं कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज नहीं, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आज इसको बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया था 3 इंच का PVC पाइप। मैंने 2 इंच का राउंड शेप इसका कटिंग करके निकाल लिया था, देन उसको मैंने सैंडिंग करके नॉर्मल कर लिया था स्मूथ, ताकि मैं अपने हिसाब से शेप दे सकूं। आप भी बॉक्स का शेप या जो आपको शेप ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको शेपिंग कर लो। हीट करना पड़ेगा आपको, मतलब PVC को राउंड करने के लिए। नॉर्मल PVC पाइप्स हैं, इसमें कुछ अलग से मैंने नहीं यूज़ किया हुआ है। तो नॉर्मल PVC पाइप से पहले 2 शीट्स कटिंग कर लीजिए वॉल्स इसकी, जो राइट लेफ़्ट की पैकेजिंग करने के लिए। या आपके पास बना बनाया कोई डिब्बा हो तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि बैटरी फूल जाएगी, पिचक जाएगी समथिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको और एकदम A1 क्लास की परफॉर्मेंस है। और मैंने मल्टीमीटर से भी इसको ऑलरेडी चेक करके देखा हुआ है, ना ओवर वोल्टेज है ना कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। सो नॉर्मली हमारा जो PVC का शीट्स मैंने कटिंग किया हुआ था साइड्स वॉल्स के लिए, इसमें हमें 3 पोर्ट्स निकालने हैं। 3 पोर्ट्स मतलब मैं इसको 3S बना रहा हूँ। सो 3S के लिए 3 चार्जिंग पोर्ट्स निकालेंगे इसमें से, तो उसी की मैं कटिंग कर रहा हूँ पोर्ट्स की ऑलरेडी। और एक बात आप लोग से और कहना चाहता हूँ यार, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार, 700 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू भाई सपोर्ट के लिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। सो आप लोग को कुछ स्पेशल नीड हो किसी चीज़ की, जिसमें प्रॉब्लम हो रही हो या कोई सोल्यूशन चाहिए हो, तो आप मुझसे बोलो, मैं उसे बनाने की कोशिश करूँगा। प्लस उसका जो सोल्यूशन मुझसे हो पाएगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। बस यार साथ ऐसे ही बनाए रखो अपना, भाई तुम्हारा सब करेगा। तो चलिए अब इसको आगे करते हैं। ये चार्जिंग मॉड्यूल्स हैं, उसके लिए जो इंडिकेशन उसमें छोटे छोटे थे, जनरली लोग मतलब उसके बल्ब्स निकाल के LED के ऊपर लगाते हैं, ये मैं इंटरनली फिट कर रहा हूँ ताकि इसमें ज़्यादा झाम ताम ना करना और शॉर्टकट में बन जाए। एक चार्जिंग मॉड्यूल की कीमत आपकी 30 रुपीज़ आई थी। ये चार्जिंग मॉड्यूल नॉर्मल वाले हैं। एक आता है आप में, उसमें USB इनबिल्ड होता है, इसमें इनबिल्ड USB नहीं होता, ठीक है। ये नॉर्मल बैटरी चार्ज करता है और आप उससे आउटपुट ले सकते हो, BMS की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो मल्टीपर्पज़ है, तो इसमें दो दो होल्स इसलिए मैं कर रहा हूँ, एक इसमें ब्लू, एक मॉड्यूल के अंदर में आपके 2 LEDs लगी होती है, एक रेड होती है और एक ब्लू होती है। रेड वाली का काम होता है जब आप चार्जिंग ऑन करते हो तो रेड वाली जल जाती है जब बैटरी आपकी डाउन रहती है, तो जब बैटरी फुल होती है तो ऑटोमेटिक वो ब्लू हो जाती है, मतलब कट ऑफ हो जाती है। देन ब्लू होने पर आपको चार्जर निकाल लेना है इसको। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे घर के किसी भी चार्जर से आसानी से यूज़ कर सकते हो, मतलब मल्टीपर्पज़ है यार, लो बजट में बहुत हाई क्वालिटी है। मॉड्यूल्स सारे टेस्टेड होते हैं, डिजिटल मॉड्यूल है, किसी में कोई फॉल्ट नहीं होती। और चूँकि सारे मॉड्यूल्स अलग अलग है, कल को कोई प्रॉब्लम भी होती है किसी एक चैनल में तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो ये 3 पीस हमें लेना है 3S बनाने के लिए, 30 रुपीज़ पर पीस मिला हुआ है मुझे। और एक ही बैटरी लेवल इंडिकेटर भी मैं लेकर आया हुआ था ताकि बैटरी की कंडीशन पता चल सके कितनी है कितनी नहीं है। तो मार्किंग देख लीजिए, इसमें प्लस माइनस की जो बीच वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक, ये सब में एक बराबर ही होते हैं, मार्किंग ऑलरेडी इस पर शो रहती है। साइड्स वाले आपके आउटपुट के होते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको बीच के करना है। तो जी बैटरी मीटर के भी आप देख रहे हो। देन चलिए पहले इसको फिट करते हैं।
चिपकाने के लिए आप हॉट ग्लू का यूज़ करो या डबल साइडेड टेप का। इसको पीवीसी पे पहले हमें बैंड करके चिपकाना है। तो पहले हम सारे मॉड्यूल्स को एक के बगल एक चिपका लेते हैं। सारे मॉड्यूल्स के नंबर हमने क्या कहते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 रखा हुआ है, तो उसको याद रखिएगा। प्लस बैटरी मीटर भी मैं ऊपर ही लगा रहा हूँ इसमें। जनरली को ज़रूरत अगर आपको हो तो यूज़ कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इंडिकेशन ही ऑलरेडी दे देता है, मतलब ब्लू हो जाती है लाइट्स चार्ज होने के बाद। और काफ़ी काम का प्रोजेक्ट है, आप इससे मतलब घर में जो चार्जिंग वाले आइटम्स होते हैं छोटे मोटे, आप सारे चार्ज कर सकते हो। मतलब अगर आपने अपने मोबाइल या सॉरी मोबाइल की बैटरी हुई आपकी लिथियम आयन बैटरी हुई, मतलब किसी भी टाइप की 10,000 mAh के अंदर की जो बैटरी होगी, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट की सारी चार्ज कर लेगा, ठीक है। बस उसमें थोड़े से सीरीज कनेक्शन अलग हो जाएंगे। नॉर्मली 3.7 के लिए, मतलब ड्रोन्स की बैटरीज के लिए। सो ये साइड का है, ये हमने एक कनेक्टर लिया हुआ था, ये बैटरी कनेक्टर आता है अलग से, मतलब इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, 10-5 रुपये का मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता और आफ्टर मार्केट नॉर्मली कम रेट में मिल जाता है। मैंने 5 पिन का मंगाया था बट मैंने इसमें 4 पिन ही यूज़ की हुई है, ठीक है। तो कनेक्शन आप देख लो, पहले हमें जो भी इसमें कलरफुल वायर लगाने, कोई नंबरिंग का इशू नहीं है, आप किसी भी कलर का वायर किसी पे भी जोड़ते चलो, मतलब इसमें नॉर्मल जोड़ लो। मॉड्यूल्स में कहाँ कहाँ जोड़ने मैं बताता हूँ। तो पहले मैंने ग्रीन लगा दिया, मतलब मैं कोई काउंटिंग करके नहीं लगा रहा हूँ, नॉर्मली लगाता चल रहा हूँ। ग्रीन लगाया, देन सेकंड मैंने येलो ही लगाया इसमें। बस नंबरिंग याद रखनी है कि हमने लेफ्ट से शुरू किया या राइट से शुरू किया, उसकी नंबरिंग याद रखनी है। देन ऑरेंज, उसके बाद पॉजिटिव पे रेड डाल दिया, ठीक है, क्योंकि इसका हम पॉजिटिव लेफ्ट वाला ही लेंगे बिल्कुल किनारा। ये हो गया, अब मॉड्यूल पे मार्किंग करके हमें डायरेक्ट कनेक्शन देना है। मॉड्यूल के कनेक्शन देखिए कितने नॉर्मल हैं, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं भी पता है वो भी बंदा इसको बना सकता है। बस थोड़ा सा स्टेप फॉलो करो और वीडियो कंप्लीट वॉच करो, समझो इसको। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है। इसका जो माइनस का आउटपुट वाला था, सॉरी माइनस का जो इनपुट था, मैंने उस पर एक तार दे दिया ग्रीन वाला। देन येलो वाला जो आपके 2 नंबर पर लगाया था, वो मॉड्यूल 2 पर दे दिया हमने, और मॉड्यूल 1 पर ऑरेंज वाला वायर दे रहे हैं जो 3 नंबर पिन से हमने उठाया था, ये भी माइनस पे लग रहा है। ये तीनों तार हमारे माइनस माइनस पे लग गए। लास्ट का हमारा जो है चौथा बच रहा है, ये रेड है, तो ये हमें प्लस रेड पे देना है। मतलब याद रखिएगा, आउटपुट पे कोई भी नहीं देना, ये सारे इनपुट वाले हैं जहाँ पे बैटरी के वायर जोड़ते हैं। अब हमें जम्पर वायर लेना है, ठीक है। इसका फर्स्ट मॉड्यूल का जो हमारा निगेटिव है, उसको 2 नंबर के प्लस पे जोड़ देना है, मॉड्यूल के प्लस इनपुट प्लस पे, ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर के मॉड्यूल का माइनस हमें 3 नंबर के मॉड्यूल के प्लस इनपुट पे दे देना है। तो ये हमारा सर्किट हो गया रेडी, मतलब ये टन टन है, इस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्शन आप देख लो फिर से, कौन सा वायर कहाँ गया हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट एज इट इज़ आपको जोड़ना है, कोई साइंस नहीं लगाना है। देन ये जो मैं तार निकाल रहा हूँ, ये किनारे का पॉजिटिव निकाल लो, रेड पर से मैंने कनेक्शन उठाया हुआ है, ये प्लस का तार है, और एक माइनस का मॉड्यूल 3 से लेंगे। ये वायर हम इसलिए निकाल लें ताकि हम अपनी बैटरी मीटर पर लगा सकें, ताकि कंप्लीट जब बैटरी चार्ज हो जाए तो हम उसका इंडिकेशन देख सके कि फुल है कि नहीं है। देन इसमें प्लस का प्लस दिख रहा है आपको, माइनस का माइनस है, मॉड्यूल पे ऑलरेडी बना हुआ है प्लस माइनस। चलिए जोड़ते हैं डायरेक्ट। ये रहा आपका प्लस, ये आपका बैटरी लेवल इंडिकेटर है जो हम उधर से लेकर आए थे, प्लस देन निगेटिव। अभी लास्ट में इसमें हम एक स्विच लगा देंगे क्योंकि हमें मॉड्यूल कॉन्स्टेंट ऑन तो रखना नहीं है बैटरी लेवल का, तो इरीटेटिंग हो जाएगा। जब जरूरत हो आप प्रेस करोगे बटन तो ऑन हो जाएगा, उसके लिए भी मैंने आगे ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देन सारी जगह, सारी चीज़ें हमारी अपनी जगह फिट हो गई है, बस उसमें बैटरी लगा के हमें चेक करना है। देन अभी चेक करते हैं। सो ये आप देख रहे हो कनेक्शन हो गया सर। बस एक चीज़ याद रखिएगा, इसको फेविक्विक से आप नहीं चिपकाइएगा मॉड्यूल्स को, नहीं तो चार्जिंग जैक्स के अंदर पता चला फेविक्विक चला गया तो आपका जैक भी रह जाएगा और मॉड्यूल भी ख़राब हो जाएगा। सो समझदारी से यूज़ कीजिएगा, हॉट ग्लू यूज़ कीजिए, चल जाएगा। देन अब चलिए बैटरी कनेक्शन करते हैं। ये लाइपो बैटरी का रेड वाला वायर जो है, ये पॉजिटिव का होता है, तो हमने पॉजिटिव की मार्किंग इसमें ऑलरेडी करी हुई है, पर आप भी देख लो, ये प्लस है, लेफ्ट वाला जिस पर हमने रेड वायर लगा था ये माइनस है, तो माइनस तो सारे ही है वैसे एक पिन छोड़ के। देन हम कनेक्ट करते हैं, तो रेड वायर बैटरी का हमको अटैच करना है इस पे किनारे, और ये हो गया हमारा कनेक्शन। और ये वीडियो थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो गया है एक्चुअली जूम करने के चक्कर में, बट अभी आपको आगे फिगर आ जाएगी। ये देखिए हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया और मीटर ऑन हो गया, अभी बैटरी लो बता रहा है। मैंने बताया था ना कि मैंने इमरजेंसी बनाया था, मुझे नेक्स्ट डे चार्ज करके जाना था, देन इसके बाद ही मैंने चार्ज किया था बनाने के बाद ही, तो बैटरी मेरी इतनी थी परसेंटेज, तो नेक्स्ट डे में होता नहीं। ये नॉर्मल आपका माइक्रो चार्जर है, सैमसंग का मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, सो मैं उसी से चार्ज करूँगा। अभी ट्रायल करते हैं इसके सारे मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं कि नहीं।
तो ये मॉड्यूल वन है हमारा, अभी देखिए इस पर मैंने लगाया और रेड कलर का वायर, वो मतलब लाइट जल जाएगी इसकी। ये हमारी चार्जिंग शो कर रही है, जैसे ही फुल होगी तो बैक उसके बगल वाली जो लाइट है ब्लू वाली वो जल जाएगी। तो ऐसे ही हमें सारे मॉड्यूल्स पहले स्टार्टिंग में चेक कर लेने हैं, मॉड्यूल सब चेक करके ही लगाओ या पैकेजिंग करने से पहले चेक कर लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। देन तो हमारे ऐसे ही मॉड्यूल चेक हो गए थे, और एक बैटरी मैंने इसमें और अटैच की थी कुछ ज़्यादा ही लो थी, तो उसका इंडिकेशन आप देखो ये इसमें लगी हुई है, लो बैटरी है बिल्कुल, ये उस पर इंडिकेशन आ गया था। और ये अब हम कुछ स्विच इस पर ऑन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले हमेशा ऑन रहेगा तो यार वो बैटरी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करता ही है, तो हमें जब ज़रूरत होगी तब हम इसका बैटरी लेवल देखेंगे। तो इसको स्विच लगाने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपका कनेक्शन आया हुआ है प्लस या माइनस का, दोनों में से किसी एक वायर को कट कर लेना है बैटरी मीटर के, उसी पर ये स्विच अटैच कर देनी है। एक स्विच डायरेक्ट आप पीसीबी पर अटैच कर दो, और पीसीबी का वायर स्विच के दूसरे वायर पर, वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही करना है। देन आपको अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप नॉर्मल रहने, तो स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा बैटरी लेवल दिखाता रहेगा, पर ये लगा लेने से बेहतर रहेगा। रीज़न है, बारी बारी से बैटरी चार्ज करोगे तो एक बैटरी चार्ज करोगे दूसरी थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हो, कोई बेनिफिट नहीं है, तो कुछ स्विच लगा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मॉड्यूल 100% वर्किंग है, टाइम टेकिंग काम था, मतलब ये चार्जर आप अगर बनाना चाहोगे घर में, अगर डिब्बे डिब्बी रखे हुई है पीवीसी ये सब चीज़ों पे नहीं बनाओगे तो बहुत कम टाइम में बन जाएगा, मतलब शायद 15-20 मिनट में आप चार्जर बना लोगे। और यार बेहतर है भाई, ऑनलाइन मैंने बहुत से चार्जर मंगा के देख लिए, लाइफ हो गए कोई सक्सेस नहीं है, कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ नशे सब में हो जाते हैं, तो सस्ते नशे से बचो, ये महंगा नशा यूज़ करो। मतलब महंगा खरीदने में महंगा नहीं है यार, मतलब बनाने में महंगा है, पर अपने और वैसे भी अपने हाथ की बनाई चीज़ की बात ही अलग होती है भाई, तो एंजॉय करो। तो ये पुश स्विच लगा दिए, देखो चेक कर लो, ये टच एकदम मस्त काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें भैया टनाटन है। एक बार चलिए फिर से सारे पोर्ट चेक कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमने बैटरी अपनी कनेक्ट कर दी है और पोर्ट्स ऑलरेडी लगे ही हुए हैं, सो अब चार्जिंग लगाते हैं सारे मॉडल्स में बारी बारी। तो पहला मॉड्यूल नंबर वन चेक करते हैं हम फिक्स करने से पहले, रेड लाइट जल गई इसका मतलब चार्जिंग हो रही है। सेकंड मॉड्यूल चेक करते हैं, देन इसकी भी रेड लाइट जल रही है मतलब ये भी वर्किंग है। और उसके बाद थर्ड मॉड्यूल चेक करते हैं, ये जो बारी बारी से मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, अब तीन क्या कहते हैं तीन यूएसबी केबल लगा के आप तीनों को एक बार में ऑपरेट कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट में आप अगर सिंगल मतलब सिंगल केबल से सारी यूज़ करना चाहते हो, अगर उस टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं वो भी बना दूंगा आपके लिए, कि मेरे पास उसका भी ऑप्शन है, बट मुझे ये नॉर्मली बेहतर लगा। रीज़न है, मुझे अलग अलग बैटरीज पे पावर देनी थी और ऐसा नहीं था कि एक ही बार में सब चार्ज कर दूं कि गर्म हो जाए, तो सिंगल सिंगल बैटरी चार्ज करने का बेनिफिट भी होता है, हीट नहीं होती और सारी बैटरी अपनी पूरी स्ट्रेंथ तक चली जाती है। तो वो मॉड्यूल आप देख रहे हो बनने के बाद, छोटा सा है, छोटा है बट बहुत खोटा है, मतलब मल्टीपर्पज़ है यार। सो वीडियो भाई पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, मेहनत लगती है सब चीज़ों में और सपोर्ट तो चाहिए ही भाई आप लोगों का, ठीक है। सपोर्ट इसलिए चाहिए कि मेरी हॉबी भी पूरी हो जाए और मैं वीडियो आराम से बनाता भी रहूं खुशी खुशी। खुशी खुशी का मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं यार, मैं ऑलरेडी कमाता हूँ जो कमाना है मुझे, बट जब चैनल्स पे एक एक बंदे जुड़ते हैं, एक एक सब्सक्राइबर्स पढ़ते हैं ना, तो यार अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि कुछ लोग हमें भी जानते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता कैसा फील होता है यार। जैसे आपको 100 लोग जाने मार्केट में तो आपका अलग नाम हो, सो ऐसे ही फील होता है। तो मेन पर्पज़ मेरा यही है, मेरी हॉबी है इलेक्ट्रॉनिक्स, सो मैं हर तरीके की चीज़ें बनाता रहता हूँ, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, कॉलेज से, मतलब किसी भी लेवल का हो, मैं कोशिश करता हूँ उसे करने की, क्योंकि ये मेरी हॉबी है। बिजनेस तो मेरा बिल्कुल डिफरेंट है इन सब चीज़ों से, मतलब ये तो बिजली का काम है, वो पानी का काम है, बाद में बताऊँगा बिजनेस क्या है। तो इसमें लाइटिंग देख रहे हो, मैंने जैसे ही चार्जिंग जैक निकाला इसमें ब्लू लाइट जल जा रही है, ब्लू लाइट का मतलब है इस पर कोई सप्लाई नहीं जा रही है, मतलब ये आउटपुट कट ऑफ हो गया। सो देन ऐसे ही है, नॉर्मल कनेक्शन है और नॉर्मल छोटा साइज का बनाया हुआ है। बारी बारी से आप चाहो तो सारे सेल्स चार्ज कर लो, या फिर आपके पास जो पड़े हो कबाड़ में चार्जर आप उसको लगा के चार्ज कर लो। बाकी परफॉर्मेंस के लिए फिर बता रहा हूँ, आप इस चीज़ के हेडेक में नहीं रहो कि बैटरी फूल जाएगी पिचक जाएगी, जैसे आप मार्केट से परचेज करके यूज़ करते हो ये एक्यूरेट वैसे ही चलता है, क्योंकि मॉड्यूल सारे ना डिजिटल मॉड्यूल्स हैं, सब टेस्टेड होते हैं। और भाई ये मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है डिस्कवरी, इसकी फ्लाइंग वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, इसी के लिए मैंने ये चार्जर बनाया था। सो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, ठीक है। ये थोड़े से शॉर्ट्स हैं,
आप लोग को दिखा दिया। सो यार सपोर्ट बनाए रखो, जल्दी ही मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।